विराट कोहली ने ऐलान कर दिया कि वो T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा कि कोहली ने किसी दबाव में यह फैसला किया या फिर यह खुद का निजी फैसला है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है हकीकत। सबसे पहले तो ये समझ लो, यह तुरंत का फैसला नहीं है। काफ़ी लंबे समय से विराट कोहली की कप्तानी को लेकर दो मत रहे हैं। क्रिकेट फैंस का एक धड़ा रोहित को कोहली से बेहतर कप्तान बताता है, यही बात क्रिकेट एक्सपर्ट भी कहते हैं। हालांकि विराट कोहली के समर्थक यह बात कतई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोहली की कप्तानी में भारत कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट हार चुका है और विराट के टीम 11 के सिलेक्शन को लेकर कई बार उंगली उठी है। और विराट के मैदान पर लिए गए फैसले भी क्रिकेट जानकार को पसंद नहीं आए। इससे BCCI के ऊपर दबाव और बढ़ता गया। BCCI भी एक नया विकल्प देखने लगी और वो विकल्प है स्प्लिट कप्तानी का। स्प्लिट कप्तानी इंडियन क्रिकेट में कम प्रचलित है, हालांकि कई देश स्प्लिट कप्तानी को सफल मानते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो रोहित और विराट को लेकर भारतीय टीम दो खेमों में बढ़ती नजर आई है। मेरा यह कहना बिल्कुल नहीं कि दोनों के बीच कोई लड़ाई है, लेकिन यह सच है रोहित की कप्तानी स्ट्रैटेजी कोहली की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग है। ये एक बड़ा कारण है दो गुट का होने का, कुछ विराट के साथ तो कुछ रोहित के साथ खड़े हैं। रोहित ने कप्तान के तौर पर खुद को साबित भी किया है। अब देखने वाली बात ये भी है कि रोहित की कप्तानी में विराट T20 खेलना जारी रखते हैं या फिर एक लंबा ब्रेक लेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।